पार्टी विस्तार को लेकर भाजपा ने मुहिम छेड़ रखी है। इस दौरान क्या-क्या कार्यक्रम होंगे, इस समय मेरे साथ हैं राज्य मंत्री किशनलाल बेदी। इनसे जानते हैं कि क्या कार्यक्रम रहेंगे। बहुत से वर्ग, बहुत से क्षेत्र ऐसे अछूते हैं जहां से हम विजय नहीं प्राप्त कर सके, चाहे वो किसी जाति धर्म की बात हो, किसी वर्ग विशेष की बात हो। कुछ अनछुए फैलू चुनाव में रह गए, तो पार्टी नेतृत्व ने तय किया कि ये हमारा तीसरा वर्ष कंप्लीट हो चुका है, तो हमारा कार्यकर्ता उन क्षेत्रों में नए लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़े, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के साथ उन लोगों को जोड़े। भारतीय जनता पार्टी का मूल क्या है, भारतीय जनता पार्टी की फिलॉसफी क्या है, ये विस्तार पूर्वक कार्यकर्ता फील्ड में जाएं, प्रत्येक बूथ स्तर पर जाएं, और बूथ स्तर पर जो पिछले चुनाव के अंदर कहीं कहीं जो कमियां रह गई हैं उन लोगों को पार्टी की रीति नीतियों से अवगत कराएं। अब लगभग 17,000 बूथों पर हमने तय किया था कि लगभग 10,000 लोगों को हम आह्वान करेंगे कि बूथों पर जाएं, परंतु आज खुशी इस बात की है, मेरे कर्मठ कार्यकर्ता, मेरे देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने पार्टी की इच्छा के अनुसार, संगठन की सोच के अनुसार प्रत्येक बूथ पर आज 17,000 के लगभग कार्यकर्ताओं ने अपने आप को समय देने का आह्वान किया है। और लोग 26 तारीख से, क्योंकि 26 तारीख को हमारी सरकार के 3 साल पूरे हो जाएंगे, 26 मई से लेकर और 10 जून तक 15 दिन के लिए कार्यकर्ताओं की फौज प्रत्येक बूथ पर जाएगी। वहां पर जाकर हम पार्टी की रीति नीति से लोगों को अवगत कराने का काम करेंगे, जन समस्याओं को सुनने का काम करेंगे। तो जुलाई के महीने के अंदर 3 दिन तक हरियाणा के अंदर अमित शाह जी अपना प्रवास करेंगे और हरियाणा के लोगों को, हरियाणा के कार्यकर्ताओं में नए उत्साह का सृजन करने का काम करेंगे। 2.5 साल के राज के अंदर हमने भ्रष्टाचार के पर लगाम लगाने का पूरा प्रयास किया और उसमें सफल भी हुए। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या थी, उसका हम जड़मूल से समापन करेंगे, इसके लिए लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। बेदी जी, आप कह रहे हो कि भ्रष्टाचार पर हम लगाम लगाएंगे, और वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि मैंने कोई गलत काम किया ही नहीं है, सरकार चाहे जितनी मर्जी जांच बैठा लें। तो कहाँ कमी आ रही है? वो कह रहे हैं कि हमने किया नहीं, आप कह रहे हो कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएंगे, कहाँ ये? देखो, 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, अब उन सब विषयों पर जांच कराना हमारी जिम्मेवारी बनती थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बेवजह बौखला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी किसी बदले की नीति से कोई काम नहीं कर रही है। जो भ्रष्टाचार के मामले संज्ञान में आए थे उन पर जांच कराना हमारी जिम्मेवारी बनती है। यदि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोई गलत काम नहीं किया तो मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को घबराने की भी जरूरत नहीं है, और यदि गलत काम किया है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बचाने वाला भी नहीं। कल कांग्रेस विधायक करण सिंह दलाल ने भाजपा सांसद रतनलाल कटारिया का इस्तीफा मांगा है, और इसके साथ साथ उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। मुझे करण सिंह दलाल की बात पर बड़ी हंसी आती है। कुमारी शैलजा ने स्वयं आरोप लगाया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे, क्या आरोप लगाया था कि मैं अंबाला लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगी क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुझे यहां से किसी भी कीमत पर लोकसभा सांसद नहीं बनने देंगे। तब कर्ण सिंह दलाल कहां थे, तब क्यों नहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की। बेटी जी, अब सरकार क्या रतनलाल कटारिया के खिलाफ FIR दर्ज करेगी या नहीं करेगी? नहीं जी, भाई उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया है, अपनी बात को रख लिया है, तो मैं तो स्वयं कहता हूं कि कुमारी शैलजा जी बड़ी नेता हैं और अनुजाति वर्ग की का प्रतिनिधित्व करती हैं, उस बात को ज्यादा तुल देने की आवश्यकता नहीं है। शैलजा जी के विषय में ऐसा मुझे नहीं लगता कि कटारे जी ने गलत किया है और इसमें FIR करने की जरूरत भी नहीं है, परंतु अगले ही दिन कटारे जी ने उन बातों के लिए कह भी दिया, स्पष्टीकरण दे भी दिया था। और यदि कोई ऐसा नेता या कोई ऐसा व्यक्ति स्पष्टीकरण दे दे अपने बयान पर, तो मुझे नहीं लगता कि उस बात को आगे बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये थे मेरे साथ हरियाणा के राज्य मंत्री किशनलाल बेदी। इनका कहना है कि भाजपा पार्टी विस्तार को लेकर बूथ स्तर पर जाएगी। इसके साथ साथ इन्होंने कहा है कि रतनलाल कटारिया पर FIR की मांग करने को लेकर राज्यसभा सांसद शैलजा को ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज़ चंडीगढ़।